दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी पर सोनिया ने बड़ा हमला बोला है। मोदी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने और साफ कहा कि जमीन बिल के ऊपर कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। गरीबों की जमीन लेकर मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ये मेक इन इंडिया नहीं, ये टेक इन इंडिया है। कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली के दौरान राहुल और सोनिया दोनों ने हमला बोला और सोनिया ने मोदी को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया। संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा और आपकी जमीन से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये तो बात हुई जमीन अधिकारण कानून में बदलाव की, लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आए हैं किसान भारी संकट के रौब से गुजर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। हमारे देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमारे किसान और हमारे खेत मजदूर तकलीफों का सामना ना कर रहे हो। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं बिजली, कहीं बीज नहीं मिल रहे हैं तो कहीं खाद, सफेद मक्खी पाकर को